हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाए, स्थान, समय, रीति, शैली, परिणाम के विषय में बताए, क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे संगीता धीरे धीरे चल रही है, आप उधर खड़े हो जाइए, वह यहाँ गया है, पिताजी परसों आएंगे, वह अचानक गिर पड़ा, तुम कल वहाँ क्यों नहीं आए। इन वाक्यों में धीरे, उधर, वहाँ, परसों, अचानक तथा क्यों शब्दों से क्रियाओं की विशेषता प्रकट हो रही है, अतः ये क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। कब, कहाँ, किधर, कैसे, कितना आदि प्रश्नों से जो उत्तर मिलते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे अब कब आओगे, अभी, कल, परसों, तब आदि। कहाँ पढ़ोगे, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, अंदर, भीतर, बाहर आदि। किधर जा रहे हो, इधर, उधर, उस ओर आदि। कैसे पढ़ते हो, धीरे धीरे, ध्यानपूर्वक, भली भांति, यथाशक्ति आदि। कितना पढ़ते हो, थोड़ा, बहुत, काफी, पर्याप्त आदि। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के चार भेद माने गए हैं, जो है स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। चलिए अब एक एक को जान लेते हैं। पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण होने वाले कार्य का स्थान बताते हैं वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, स्थितिवाचक, यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, जहाँ, कहाँ, बाहर, भीतर आदि। दिशावाचक, इधर, उधर, किधर, जिधर, दाहिने, बाएं, इस ओर आदि। विस्तारवाचक, यहाँ से वहाँ तक आदि। उदाहरण के लिए, यहाँ से वहाँ तक पानी ही पानी है, इस ओर चलिए, मैं यहाँ ठहरता हूँ, वह भीतर सोता है। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषणों से प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकृति, निषेध, आकस्मिकता आदि का बोध होता है। जो क्रिया विशेषण क्रिया होने की रीति का बोध कराते हैं वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं, प्रकारवाचक, ऐसे, वैसे, कैसे, धीरे धीरे, अचानक, शीघ्रता से आदि, जैसे वह अचानक गिर पड़ा। निश्चयवाचक, जरूर, अवश्य, निसंदेह, वास्तव में आदि, जैसे वह अवश्य आएगा। अनिश्चयवाचक, शायद, कदाचित, संभव, जैसे संभवतः वह आएगा। कारणवाचक, क्यों, के कारण आदि, जैसे क्यों रोते हो। निषेधवाचक, ना, नहीं, मत, जैसे मत पढ़ो। प्रश्नवाचक, क्यों, कहाँ, कैसे, कब आदि, जैसे आप कब आए। अगला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जो क्रिया विशेषण क्रिया में होने वाले कार्य का समय बतलाते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण क्रिया की तीन प्रकार की विशेषताएं प्रकट करते हैं। पहला है समय संबंधी, आज, कल, परसों, सवेरे, प्रातःकाल, कभी, पहले, पीछे, अब, जब, कब, तब, जैसे मैं प्रातः घूमने जाता हूँ, रचना अभी आने वाली है। इन शब्दों से समय का बोध हो रहा है। अवधि संबंधी, दिन भर, सुबह से शाम तक, आजकल, लगातार, सदा, जैसे वह दिन भर खेत में काम करता है, कविता आजकल पढ़ती है। इन शब्दों से अवधि का, समय का बोध हो रहा है। बारंबारता संबंधी, कई बार,
हर बार, प्रतिदिन, बहुधा, अक्सर, बार बार। जैसे वह बार बार परीक्षा देता पर पास नहीं होता, वह अक्सर आता रहता है। इनसे बारंबारता का बोध हो रहा है। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों से अनिश्चित संख्या या होने वाले कार्य की मात्रा अथवा परिमाण का बोध होता है, वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। अधिकतावाचक, अधिक, अत्यंत, अति, ज़्यादा, खूब आदि। जैसे वह खूब पढ़ रहा है। न्यूनतावाचक, थोड़ा, जरा आदि। जैसे थोड़ा खेला भी करो। पर्याप्तवाचक, काफ़ी, पर्याप्त आदि। जैसे काफ़ी पढ़ लिए, अब बाहर जाकर खेलो। तुलनावाचक, जितना, उतना, कितना, इतना आदि। जैसे इतना खेलो जितना जरूरी हो। श्रेणीवाचक, थोड़ा थोड़ा, क्रम से, बारी बारी से आदि। जैसे बारी बारी से आओ। विशेष, एक वाक्य में, वाक्यों में करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण कारक क्रिया विशेषण का ही काम करते हैं। जैसे वह कलम से लिखता है, इसमें करण कारक है। मैं गुरुजी के लिए लाया हूँ, यहाँ पर गुरुजी के लिए संप्रदान कारक है। वह पेड़ से गिर पड़ा, अपादान कारक है। बंदर पेड़ पर बैठा है, अधिकरण कारक। इन शब्दों में रंगीन शब्द क्रिया विशेषणों का कार्य कर रहे हैं। कई शब्दों का परिमाणवाचक विशेषण और परिमाण क्रिया विशेषण दोनों में समान रूप से किया जाता है। जैसे कम, अधिक, पर्याप्त, काफ़ी, बहुत आदि। जब ये शब्द क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। परंतु जब किसी वस्तु के माप तौल का बोध कराते हैं तो परिमाणवाचक विशेषण। जैसे परिमाणवाचक विशेषण, कम लड़के आए हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कम खाओ। परिमाणवाचक विशेषण, काफ़ी लोग जमा हैं। क्रिया विशेषण, काफ़ी पढ़ चुके, अब आराम करो। परिमाणवाचक, थोड़ा दूध देना। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, थोड़ा पढ़ भी लिया करो। परिमाणवाचक विशेषण, उसके पास पर्याप्त धन है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, पर्याप्त व्यायाम किया करो। क्रिया विशेषण की रचना। रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं, मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण दूसरे शब्दों के मेल से न हुआ हो, वे मूल क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आज, कल, शायद, ऊपर, नीचे, अचानक आदि। यौगिक क्रिया विशेषण, जिन क्रिया विशेषणों का निर्माण दूसरे शब्दों में प्रत्यय लगाकर होता है या जो समास द्वारा बनते हैं, वे यौगिक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे संज्ञा जोर विशेषण, एक बार, एक साथ। प्रत्यय के योग से, स्वभावतः, वस्तुतः। उपसर्ग के योग से, प्रतिदिन, आजीवन, यथाशक्ति। समास द्वारा, रात दिन, जीवन भर। परसर्ग द्वारा, ध्यान से, तेजी से। द्विरक्ति द्वारा, धीरे धीरे, चुपके चुपके। अनुकरणात्मक शब्दों की द्विरुक्ति से, फटाफट, झटपट। क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर। इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। राम अच्छा है, राम अच्छा गाता है। यह बात ठीक है, बात ठीक ठीक कहो। कमला सुंदर है, कमला सुंदर लिखती है। चाकू तेज है, वह तेज भागता है। मेरे पास अधिक पुस्तकें हैं, तुम्हें अधिक श्रम करना चाहिए। क वर्ग के वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, अतः वे विशेषण हैं। जबकि ख वर्ग के वाक्यों में रंगीन शब्द क्रियाओं की विशेषता बता रहे हैं, अतः वे क्रिया विशेषण हैं। ये था क्रिया विशेषण। आशा करती हूँ क्रिया विशेषण आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप इस तरह की वीडियो भविष्य में देख सकें।
और मेरे किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।